तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, थेफ्ट का डेफिनेशन जो सेक्शन 378 में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 थेफ्ट मीन्स, क्या थेफ्ट मीन्स, डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी से क्या करना है, टेकिंग ले जाना है, किसी चीज़ को उठाना है। किस चीज़ को उठाना है, मूवेबल प्रॉपर्टी को। देखो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक मूव कर सकते हैं और एक जिसको मूव नहीं कर सकते हैं। घर को आप उठा के ले नहीं जा सकते, लेकिन गाड़ी को तो आप उठा के ले जा सकते हो, कोई भी मोबाइल को उठा के ले जा सकते हो। तो जो चीज़ आप मूव कर सकते हो उसको हम लोग बोल रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। किस चीज़ से, आउट ऑफ द पोजेशन। देखो पोजेशन किसी के भी पास हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पोजेशन हो वह उसका मालिक ही हो, या किराएदार भी हो सकता है। तो किराएदार के यहाँ से अगर आप कुछ उठा के लेके चले जा रहे हो तो वो पोजेशन हो सकता है। किसी घड़ी वाले को आपने घड़ी बनाने के लिए दे दिया हो तो वो भी जो है आपका जो है इसमें काउंट किया जाता है। अब आपको यह समझना है कि भाई आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखिए, द टेकिंग मस्ट बी ऑलवेज विदाउट द कंसर्न्स पर्सन्स कंसेंट, बिना उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति है जिससे आप वो चीज़ उठा रहे हैं उसके बिना कंसेंट का। तो कंसेंट मैंने आपने उसे पूछा ही नहीं तो वह क्या बताएगा, वह तो कुछ बताए, आपने विदाउट शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो व्यक्ति शायद वहाँ था ही नहीं, ही वॉज नॉट देयर। क्योंकि रहता तब तो वो कंसेंट हाँ या नहीं देता, तब अगेंस्ट कंसेंट लिखा जाता, तब क्या लिखा जाता, विदाउट कंसेंट नहीं लिखा जाता, तब क्या लिखा जाता, तब लिखा जाता अगेंस्ट कंसेंट। चूँकि व्यक्ति था ही नहीं इसलिए विदाउट कंसेंट लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट अंडर IPC द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। अब वो देखो उन कंडीशंस की चर्चा की जा रही है, कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए भाई। तो समझ लीजिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला है जो ऑफेंडर होना चाहिए उसका इंटेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, बेईमान इरादे से। बोनाफाइड इंटेंशन की बात नहीं कर रहे, क्यों भाई, कोई क्राइम करेगा तो हमेशा उसकी इंटेंशन बोनाफाइड होगी नहीं, वो तो चोरी के इरादे से आया ही, उसके तो दिमाग में ही कुछ ना कुछ खुराफात है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो है उसके बाद द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन मस्ट ऑलवेज बी मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कंडीशंस में रख दिया है। सेक्शन 378 का जो सेकेंड इन्ग्रेडियंट है वह यही कहता है कि वह जो प्रॉपर्टी है वह मूवेबल ही होना चाहिए, नॉट इमूवेबल। यह क्लियर कट है, क्योंकि सामान की चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही हो सकती है। अब जो है देखो, अब आगे आओ, अब तीसरा सेक्शन क्या कह रहा है, तीसरा इन्ग्रेडियंट क्या कह रहा है, तीसरा इन्ग्रेडियंट कह रहा है कि कंसेंट, द ऑफेंडर मस्ट टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ अदर पोजिशन विदाउट कंसेंट। वह भी मैंने आपके सेकंड सेक्शन में भी बताया था, सेकंड पार्ट में, कि कंसेंट नहीं लिया गया था उससे, क्योंकि था ही नहीं वह व्यक्ति तो कंसेंट कैसे लेते। अब इसके बाद आओ, द ऑफेंडर मस्ट मूव द प्रॉपर्टी, मस्ट मूव द प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कुछ समझने वाली बात है, टेकिंग करना है तो वो प्रॉपर्टी मूव होगी कि नहीं। सपोज़ चलो आप एक इमेजिन करो कि आप एक फंक्शन में हो और एक चोर हो, नहीं तो एक चोर है, तो एक चोर है, आप एक फंक्शन में जाते हो और फंक्शन में जाते हो तो आप एक महिला हो और आपने एक हीरे का हार, सोने का हार, कुछ भी पहना रखा है गले में, और वह व्यक्ति पीछे से आपका वह जो है वो उसको कट कर देता है, तो कट कर देता है और वो जो है आपके गले का हार गिर कर नीचे गिर गया है। देखो उसने कुछ किया नहीं है, उसने सिर्फ कट किया है और वो सोने का हार जो है वह नीचे गिर गया। मूव तो कर दिया उसने उस चीज़ को, ठीक है, अब मूव कर चुका है, अब वो बाद में उसको हो सकता है टेक करेगा, वो उसको उठा लेगा, वो अलग मैटर है। तो ऑफेंडर को क्या करना चाहिए, ऑफेंडर मस्ट मूव द प्रॉपर्टी। अब ये क्लियर करिएगा कि मूव आपको तब करते हैं जब वह टेक, तभी करोगे जब पहले आप उसको मूव करना होगा।
चलिए अब इसने क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इफ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग। क्लियर कर लीजिए, इफ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग, अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है द ऑफेंडर इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ऑफेंडर गिल्टी का गिल्टी तो है ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल, क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन मे टेक एंड मूव समबडी एल्स प्रॉपर्टी थिंकिंग इट एक्चुअली बिलोंग्स टू हिम, इन दिस केस सिंस द ऑफेंडर मूव द प्रॉपर्टी एज मिस्टेक ही डिड नॉट कमिट। देखो अब एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उठा ले, देखो सपोज एक आप एक स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, बिल्कुल एक तरह की बाइक लगी हुई हो और वो चाबी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि वो इसने ही उसमें लग जाता है, ठीक है ना, या इसमें नहीं उसमें लग गया, तो अब हुआ क्या भाई, आपने किया क्या, तो वो जो है हुआ क्या कि आपकी जो है